मेरे भाइयों, अभी मैं यहाँ पे आ हुआ हूँ। यहाँ के हमारे कुली भाई जो हैं, इनके पास रात 12 घंटे की ड्यूटी में बोनी तक नहीं हो रही इनके यहाँ पे, और ये अपने परिवार का कैसे भरण पोषण करें। मैं सभी भारत के सभी लोग से कहना चाहता हूँ कि भाइयों, सभी को एक ताकत में आके काम करना पड़ेगा। सभी को 2024 में जो चुनाव आने वाले हुए हैं, आज दिनांक 19/6/2023 है, और आज मैं सभी स्टेशनों का दौरा कर रहा हूँ। जितने भी हमारे कुली भाई लोग हैं, सभी लोग परेशान हैं, अपने घर परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। ये बात आप मुझे खुद सुन सकते हैं। हमारे राकेश भाई दमोह डिवीज़न से यहाँ आए हुए हैं और कुलियों का दौरा कर रहे हैं। हम लोग की बोनी से लेकर मजदूरी तक कुछ नहीं हो पा रही है। मैं समस्त भारत के कुलियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो एक साथ जुटकर मंच पे आएं और अपनी गुहार सरकार से लगाएं। और राकेश यादव के साथ हम सभी हैं। हम तो बोल नहीं पाते। अरे तो ठीक है, बोल यार, एक ना बोले, एक ना बोल नहीं को कोई। भाइयों, हमारे दादाजी हैं, ये पुराने सीनियर हैं, इन्होंने पिछले 40 सालों से 52 साल से कार्य कर रहे हैं, और इनको 2008 में लालू प्रसाद यादव जी के जब बात आई हुई थी, ओवरेज हो गए थे, इनको नौकरी नहीं मिल पाई थी। तो मैं ये चाहता हूँ इनके बाद इनके बच्चों को नौकरी मिल सके, बस मैं यही दुआ करता हूँ। राकेश यादव इस चीज़ के बहुत अच्छे नेता हैं, और ये मांग रहे हैं जो वो बिल्कुल हम लोगों को मिलने चाहिए, हम लोगों को मिलने चाहिए, क्योंकि हम लोग माने गए थे, तो हम लोगों को बच्चों के लिए, पालन पोषण के लिए, हम बुजुर्गों के लिए भी तो कोई सहारा होने चाहिए। अरे बोलता था यार, चलो, मेरे पिताजी भी ओवर एज हो गए थे और हम उनका नंबर लेके मैंने ट्रांसफर करा लिया है, और हम अभी भी परेशान हैं। राकेश यादव सपोर्ट करेंगे, सभी कुली, हम सब, हम लोग सब साथ हैं।